दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 10, जो कि है हमारा 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। हम इसके अंदर देखेंगे कि जो 18th सेंचुरी जब आई तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी या पॉलिटिकल फॉर्मेशन था वो किस तरह का था। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, बाय 1765 ब्रिटिश हेड कैप्चर मेजर चंक्स ऑफ इंडियन टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। जैसे ही हमारी 1765 सेंचुरी आई तो ब्रिटिश ने जो हमारी ईस्टर्न साइड का जो पार्ट था कैप्चर कर लिया था, जो इंडियन टेरिटरी थी अपने अंडर ले ली थी। सेकेंड पॉइंट आता है, विथ औरंगजेब डेथ इन 1707 मैनी न्यू स्टेट इमर्ज इन इंडिया। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नए नए स्टेट निकल कर आए। थर्ड पॉइंट है हमारा, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल। हम देखेंगे कि जो एम्पायर था मुगल एम्पायर, वो किस तरह से ख़त्म हुआ और जो ब्रिटिश एम्पायर था वो ले आया। तो पहला पॉइंट है इसमें, आफ्टर रीचिंग इट जेनिथ मुगल एम्पायर स्टार्ट डिक्लाइन अंडर एम्पायर औरंगजेब। दिस वॉज बिकॉज ऑफ औरंगजेब मिलिट्री एंड रिलीजियस पॉलिसी बट डिप्लीटेड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ मुगल। जब यहाँ पर मुगल का जो एम्पायर, मुगल का जो रूलर था औरंगजेब, उसी के टाइम में जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन में चला गया। वो इसलिए चला गया कि जो कि औरंगजेब की जो मिलिट्री थी और रिलीजियस पॉलिसी थी वो काफ़ी सही नहीं थी। धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता गया। सेकेंड है, अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। इट बिकम डिफिकल्ट टू चेक गवर्नर एंड मनसबदार्स। जब ये सारी जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और जो गवर्नर उन्होंने नियुक्त किए थे और जो मनसबदार नियुक्त किए थे, वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। उनको भी काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही थी। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन द मिड ऑफ द क्राइसिस नादिर शाह इन्वेंशन इन 1739 एन इन्वेंशन ऑफ अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली बिटवीन 1748 टू 1761 बीक द मुगल एम्पायर। और इसी बीच में जो नादिर शाह थे वो इन्वेंट हो गए थे और अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली भी आ गए थे, तो ये दोनों मिलकर ब्रिटिश की तरफ से इन्होंने हेल्प करी ब्रिटिश को, और जो हमारे औरंगजेब थे उनको मारने में हेल्प करी या उनको डिफीट करने में हेल्प करी। इसी वजह से मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो गया और डिक्लाइन में चला गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द नोबिलिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स ईरानीस एंड तुरानीस फॉर अ लॉन्ग टाइम। द लेटर मुगल एम्पायर वेयर पपेट्स इन द हैंड ऑफ आइदर वन और द अदर ऑफ द दीज टू पावरफुल ग्रुप। और जो हमारा मुगल एम्पायर था वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक जो था वो ईरानीस था, एक जो था वो तुरानीस। इराक के जो पीपल थे वो ईरानीस थे और जो तुर्की के जो थे वो तुरानीस थे। तो इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ करती थी। इसकी वजह से भी जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हमारा, जो कि है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। नंबर वन, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी द गवर्नर कंसोलिडेशन देयर अथॉरिटी। जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो नए नए कम्युनिटीज या नए नए जो स्टेट्स है वो निकल कर आए। सेकेंड पॉइंट है, ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट वेयर डिवाइडेड इंटू थ्री ओवरलैपिंग ग्रुप्स। ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद स्टेट विच इंजॉय कॉन्सिडरेशन इंडिपेंडेंट लाइक बतन जागीर एंड सेवरल राजपूत प्रिंसिपालिटीज एंड द लास्ट ग्रुप इंक्लूड स्टेट लाइक मराठा, सिख एंड द जाट। जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो कुछ जो उसी की टेरिटरी हुआ करती थी वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई, जिसमें थी हमारी अवध, बंगाल और हैदराबाद। कुछ और भी थे जो इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे कि बतन जागीर, अलग अलग तरह के जो राजपूत प्रिंसिपालिटीज के पीपल थे वो भी। और भी जो थर्ड नंबर पे आते थे वो थे मराठा और सिख और जाट जो पीपल थे, उन्होंने भी अपना खुद का स्टेट और टेरिटरीज डेवलप कर ली थी। अब हम बात कर लेते हैं द ओल्ड मुगल प्रोविंस के बारे में। तो पहला पॉइंट है इसमें, दिस इंक्लूड द स्टेट ऑफ अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। जो ओल्ड मुगल एम्पायर था उसमें हमारे अवध, बंगाल और हैदराबाद की टेरिटरीज आती थी। सेकंड पॉइंट है, हैदराबाद स्टेट वाज फाउंडेड बाय निजामुल मुल्क अशरफ जहाँ। द स्टेट वाज कॉन्स्टेंटली इंगेज इन स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास। तो जो हैदराबाद जो स्टेट था वो किसके कंट्रोल में था, निजामुल मुल्क के, जो कि उसके फाउंडर भी थे। और वो कोलेप्स तब हुआ जब उसके जो स्ट्रगल था मराठास के साथ हुआ।
थर्ड पॉइंट है हमारा, अवध वाज फाउंडेड बाय सादात खान, द रिच एलिवेल प्लेन्स अलाउ डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। अवध जो था हमारा उसको डेवलप किया था सादात खान ने, ये काफ़ी डेवलप्ड हुई हुआ क्योंकि यहाँ पर एलिवेल प्लेन प्रेजेंट था जिससे क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बंगाल वाज फाउंडेड बाय मुर्शिद कुली खान, ही कमांडेड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अंडर अलवर्दी खान, द स्टेट बिकम प्रोस्पेरस। और जो बंगाल था उसके फाउंडर जो थे मुर्शिद कुली खान थे, उसके टाइम में यहाँ पर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा था जिससे ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुआ। और अलवर्दी खान जब यहाँ के हेड हुए तो ये जो स्टेट था ये काफ़ी आगे गया। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की, जो कि है द वतन जागरीस एंड द राजपूत। तो पहला पॉइंट है इसमें, मैनी राजपूत किंग पर्टिकुलरली दोस बिलोंगिंग टू अंबेर एंड जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स विद डिस्टिंक्शन, दे गॉट कंसिडरेबल ऑटोनोमी एंड दस वेयर कॉल्ड वतन जागीर। कुछ जो राजपूत किंग थे वो किससे बिलोंग करते थे, आमेर और जोधपुर से, वो भी मुगल के लिए ही सर्वाइव करते थे लेकिन वो कुछ ज़्यादा उनसे डिस्टेंस पर रहते थे और उसी के मुगल एम्पायर के लिए वो काम करते थे। लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए और अपने उन्होंने टेरिटरीज बना ली। सेकेंड है हमारा, मराठा एक्सपेंशन आफ्टर 1740 पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रोथ ऑफ राजपूत एक्सपेंशन। जब 1740 सेंचुरी में मराठा जो थे उनका एक्सपेंशन हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ, तो राजपूत जो थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। फिर उसके आगे हम बात कर लेंगे सीजिंग इंडिपेंडेंस में द सिख की, तो देखते हैं द सिख को। नंबर वन, द सिख एरोज एस अ पावर अंडर गुरु गोविंद सिंह हु इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। जो सिख एम्पायर था वो काफ़ी पावरफुल हुआ जब वहाँ उनके जो रूलर थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, उनसे बाकी के जो पीपल थे काफ़ी इंस्पायर हुआ करते थे। सेकेंड है हमारे पॉइंट, महाराजा रंजीत सिंह रिटर्न द सिख एस अ पावरफुल ग्रुप एंड इस्टेब्लिश कैपिटल एट लाहौर इन 1799। और उसके बाद जो महाराज रंजीत सिंह थे उन्होंने सिखों को एक पावरफुल ग्रुप की तरह इस्टेब्लिश किया और अपनी कैपिटल जो थी वो लाहौर शिफ्ट की 1799 सेंचुरी में। अब हम बात कर लेते हैं द मराठास की, तो पहला पॉइंट है इसमें, द मराठा किंगडम रोज अंडर शिवाजी आफ्टर शिवाजी डेथ पेशवा लेड द मराठा एम्पायर टू इट्स जेनिथ। जो मराठा एम्पायर था वो काफ़ी पावरफुल हुआ था जब वहाँ पे जो रूलर थे वो थे शिवाजी। शिवाजी की डेथ के बाद जो पेशवा आए उनके टाइम में भी जो मराठा था वो काफ़ी पावरफुल था। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसी में, मराठा कलेक्टेड ह्यूज रिवेंज फ्रॉम टैक्सेस ऑफ सरसमुखी इन द एंटायर किंगडम। जो मराठा के जो पीपल थे जो रूलर थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे अपनी आर्मी को और अपने प्रजा को डेवलप्ड करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, मराठा चीफ इंक्लूड पेशवा सिंधिया गायकबाग एंड भोसले, देयर टेरिटरी टच नियर दिल्ली इन इट पीक स्टेज। और मराठा के जो चीफ रूलर थे जैसे कि पेशवा था, सिंधिया थे, गायकबाग थे और भोसले, उनके टाइम में जो मराठा की पावर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई और उनका जो एरिया था वो भी काफ़ी एक्सपेंड हुआ और वो दिल्ली तक अपना लेकर गए। नेक्स्ट पॉइंट है द जाट्स, जाट्स के बारे में हम देख लेते हैं। नंबर वन, द जाट अंडर चूड़ामन कंट्रोल टेरिटरीज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ दिल्ली। तो जाट के रूलर थे चूड़ामन, उनके टाइम पीरियड में जो एरिया था वो अपना वेस्ट दिल्ली तक लेकर गए, अपने टेरिटरी को वेस्ट दिल्ली तक वो लेकर गए। सेकेंड है, देयर वेयर प्रोस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट। और जो जाट के जो पीपल थे जो पीसेंट थे वहाँ के वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी जाने जाते थे। थर्ड है हमारा, अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एस अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। और जो उनके राजा थे सूरजमल, उनके टाइम पीरियड में जो किंगडम था जाट का वो काफ़ी डेवलप्ड हुआ। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम, जाट इवन बिल्ट अ गार्डन पैलेस एट डिग। और जाट के जो रूलर थे उन्होंने अपने लिए अलग अलग तरह के पैलेस भी हमें बनवाए थे, तो वो भी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 जो था हमारा पॉलिटिकल फॉर्मेशन। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।